दोस्तों, अगर आपका एयरटेल डिजिटल टीवी है और बारिश के बाद आपका एयरटेल डिजिटल टीवी में सिग्नल्स का इशू आए, अपने सिग्नल्स चेक किया, आपका सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो दिखा रहा है, ऐसे में ये प्रॉब्लम्स आखिर होता क्यों है और इसे सॉल्व कैसे करोगे, यह जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को कम्प्लीट एंड तक दिखेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपना डिश एंटीना को देखना पड़ेगा, जो भी डिश एंटीना मेरा बाहर सेट है इसे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या चेक करना पड़ता है, सबसे पहले आपको जो कनेक्टराइजेशन है ना इसे चेक करना पड़ता है। केबल जो कनेक्ट हुआ ये LNB पे एक बार चेक करें, कहीं अगर टूटा फूटा है और इसका अंदर पानी ना चला गया हो, ये दो चीज़ स्पेशली ज़्यादातर चेक करें। तो यहाँ पर कनेक्टराइजेशन में भी कभी कभार ऐसा हो जाता है, लूज कनेक्शन रहने की वजह से थोड़ा बहुत पानी वगैरह चला जाता है अंदर, जिसका चलते हुए भी आपका सिग्नल्स का इशू आता है। और अगर आपका बारिश के साथ में थोड़ा बहुत हवा चला हो तो ऐसे में आपका डिश डिस्प्लेस होने के चांसेस है, अगर मजबूती से सही ढंग से डिश आपका नहीं जुड़ा गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मीटर को कनेक्ट करेंगे। मीटर पे दो साइड होता है, एक LNB साइड होता है और एक अगला साइड होता है RAC, यानी कि आपका जो 2 LNB साइड है इसे आपको LNB का साइड पर कनेक्ट करना पड़ेगा एक सर्विस केबल से, और जो रिसीवर से यानी कि सेट टॉप बॉक्स से जो केबल आया उसे सेट करना पड़ेगा RAC साइड में। इस मीटर से बड़ी आसानी से आप सिग्नल ट्रैक कर सकते हो। अगर ये मीटर चाहिए देन दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। 450 का आ रहा है एक मीटर। तो इसका बाद कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ से सबसे पहले एक बार देख लेना है सप्लाई कितना बोर्ड आ रहा है, फिर LNB का सामने एक बार हाथ दे के देखना है मीटर कोई रिएक्ट कर रहा है या नहीं। सप्लाई अगर 18 वोल्ट आ रहा है तो सही है, और LNB का सामने हाथ देने पर मीटर में कोई रिएक्ट आ रहा है तो कनेक्शन बिल्कुल सही है, LNB भी सही है। और यहाँ पर देखिए अलग से कुछ इसमें पानी जम गया था जो मैं निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ये कोई बात नहीं, ये कोई काम का नहीं था, वैसे ही था। अभी यहाँ से मुझे करना क्या है, सिग्नल ट्रैक करना है। तो थोड़ा बहुत हवा चला जिसका चलते मेरा डिश थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो चुका है, तो एक बार सिग्नल ट्रैक करूँगा यहाँ से। सिग्नल फाइनली मेरा ट्रैक हो जाए तो इसका बाद अपना डिश एंटेना को सही ढंग से मैं टाइट कर दूंगा यहाँ से, एयरटेल डिजिटल टीवी के इस डिश एंटेना को। तो इसे यहाँ पर थोड़ा टाइट कर देना है, और इसे जब आप फाइनली टाइट करोगे मीटर की ओर ध्यान रखें, क्योंकि इसे फाइनली टाइट करते वक्त थोड़ा बहुत डिश डिस्प्लेस हो जाता है, फिर दोबारा आपको थोड़ा सही सिग्नल ट्रैक करके फिर टाइट करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं अपना डिश एंटेना को सही एक बार ट्रैक कर लूँ सिग्नल। और दोस्तों इसी बीच अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए एयरटेल डिजिटल टीवी का, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1160 का आ रहा है नया कनेक्शन, आप ले सकते हो। और यहाँ से मेरा लगभग सिग्नल ट्रैक हो चुका है, अब देखिए मेरा मीटर पे सिग्नल शो हो रहा है, और यहाँ से मेरा LNB कंडीशन भी वेल था, कनेक्टेशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं था, हालाँकि मेरा डिश डिस्प्लेस हुआ था। दोस्तों मैंने सिग्नल कनेक्ट कर लिया यहाँ से। सिग्नल ट्रैक करने के बाद आप मुझे क्या करना है, स्क्यू एंगल का भी चेक कर लेना है, हमने स्क्यू एंगल को सही रखा है। और अभी क्या करना है, हमें अपना टीवी पे जाके चेक करना है सिग्नल सही आया है या नहीं। तो यहाँ से चलिए चलते हैं टीवी स्क्रीन पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चैनल पर अगर पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूले, क्योंकि मेरा इस चैनल पर ऑलवेज आपको TV एंड DTH रिलेटेड वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहता है। सो गाइज चलिए देखिए यहाँ से मेरा सिग्नल बिल्कुल सही मिल चुका है, मेरा TV चलने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो का एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से अपना सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ को भी एक बार लगे हाथों चेक कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए अपना सिग्नल क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ बिल्कुल सही मिला है। तो दोस्तों मिलते फिर से एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।